दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी विंडो 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको हम बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं जिससे आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से विंडो 11 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, तो चाहे वो 64 बिट की हो या 32 बिट की हो। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए सीखते हैं किस तरीके से अपन अपने लैपटॉप कंप्यूटर में विंडो 11 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, विंडो 11 की ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कीजिए। तो मेरे लैपटॉप में क्या है, गूगल क्रोम है, मैं इसको ओपन करूंगा। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी ब्राउजर है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना होता है, बताना चाहूंगा देते हैं अपन। देखिए सिंपल यहाँ सर्च कीजिएगा विंडो, देखिएगा एक मिनट रुक जाइए, विंडो 11 ISO। जब आप सर्च करेंगे देखिए पहले नंबर पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड विंडो 11 माइक्रोसॉफ्ट। सिंपल आपको डाउनलोड विंडो 11 पे क्लिक करना है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाती है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सिंपल आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड विंडो 11 डिक्स इमेज ISO और यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डाउनलोड, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा विंडो 11 पे। जब क्लिक कर देंगे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड का, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कर देंगे 10 सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ आपके सामने लिखा आएगा सिलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। अब इस पर आप क्लिक करना है, चॉइस 1 पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज आएगी, हर एक कंट्री के हिसाब से आएंगी। आप जिस भी कंट्री से हैं और जो भी भाषा आप बोलते हैं उसके हिसाब से आपको उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंग्लिश पे क्लिक, ये मैंने क्लिक कर दिया। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और 10 सेकंड आपको वेट करना है। यहाँ आपसे पूछेगा भैया कि आपकी जो विंडो है आप देख पाएंगे विंडो 11 इंग्लिश जो कि 64 बिट में अवेलेबल है। सिंपल आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और बताना चाहूंगा आपका जो कंप्यूटर होता है, मान लो कि कंप्यूटर में पहले से विंडो 11 डली हुई है या 10 डली है, जो भी डली हुई है, ठीक है ना। और अगर वो 32 बिट में अगर आपकी डली हुई है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर देता है कि भाई आपकी 64 बिट की डली हुई है तो 64 बिट यहाँ लिखा जाता है, अगर 32 बिट की होगी तो 32 बिट लिखा आएगा, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना, यहाँ तक मुझे पता है। अब सिंपल देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है 64 बिट डाउनलोड, इस पर क्लिक करिएगा और 10 सेकंड वेट करेंगे। आप देख पाएंगे नीचे की साइड में फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। इसको पुश कर देता हूँ फिलहाल क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से डाउनलोड है, मैंने इसको डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप आएंगे अपने स्टोरेज फोल्डर में, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ से हो जाती है फाइल। अब मैं बताना चाहूंगा, देखिए मेरे कंप्यूटर में पहले से ही मैंने रखा हुआ सब का विंडो 11 को, देखिए दिखाना चाहूंगा इसमें, अब देखिए यहाँ पे सेव पड़ा हुआ है, ये देखिए कंप्लीट सेव है। आपको बताना चाहेंगे अब दोस्तों इसको बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे बनाते हैं, बूटेबल कैसे बनाते हैं पेन ड्राइव के माध्यम से, इसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप विंडो 11 को बूटेबल या विंडो 10 को बूटेबल, किसी भी विंडो को बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप सीख गए होंगे किस तरीके से आपको विंडो 11 की ISO फाइल ऑफिशियल वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। आपको बताना चाहेंगे विंडो कंप्यूटर रिलेटेड हमारे चैनल पर कई सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप हमारे चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।